एकादशी दिन में खाना कुछ कुछ चीज माना है, जैसा चावल रोटी बाजरा का आटा सलिशा से कुछ कुछ चीज माना है। क्यों? एकादशी दिन में उसका अंदर पाप घुस जाता और कोई चावल खा ले तो रोटी खा ले और फिर पाप नहीं किया, झूठा भी नहीं बोलता है, लेकिन उसका पाप हो जाए। और भगवान एकादशी तिथि में एक बार एक दैत्य का साथ युद्ध हो रहा है, बहुत ही असुर का साथ। तो असुर ने इतना ताकत का दे हो गया तो भगवान उसको परास्त नहीं कर सकते। बहुत का युद्ध का बाद भगवान ने सोचा थोड़ा तो विश्राम कर लो, तो युद्ध छोड़ करके एक पहाड़ का गुफा में जाकर सो गया। और उसने दौड़ लेगा बोले अरे विष्णु कहाँ भाग गया, युद्ध करते करते दौड़ते दौड़ते प्रभु जी जहाँ सो गया वहाँ जी हो गया और उतर यहाँ पर सो गया। तो सो गया था अभी सुविधा हो गया हमारा इसका मारने के लिए। तो उसका मारने के लिए वो प्रस्तुत हो रहा है, उस समय भगवान का शरीर में और पकड़ सब दिया है।
भागवत में है, एक बार गोपाल माटी खाया, वो स्थान कहाँ है? ब्रह्मांड था गोकुल में। सखा वो बोल दिया, माता जी कन्हैया माटी खाया, माटी खाया बोला हाँ, आ गया। बोले अरे हमारे घर में खाने का कोई अभाव है, मिट्टी क्यों खाता है? बोले मैया मैं तो नहीं खाया, तुम नहीं खाया, ये लोग जो बोल रहे हैं। बोले ये लोग तो झूठा बोल रहे हैं। अच्छा दाऊ जी को पूछा, दाऊ जी मिट्टी खाया? दाऊ जी बोला हाँ माता जी मिट्टी तो खाया, लेकिन क्यों खाया ये तो हमारा पता है। तो माता जी ने बोला कन्हैया तुम मुंह खुलो, झूठा बोलता है ना साँच बोलता है पता चले। तू कन्हैया मुंह खोल दिया, क्या देखा माता जी ने? पूरा विश्व ब्रह्मांड सब कुछ उसका अंदर है, मुंह खोल दिया। इसलिए भगवान का अंदर सब कुछ है, असुर को तो पता नहीं है, वो मारने के लिए प्रस्तुत हुआ तो उसका अंदर से भगवान का अंदर से एक औरत निकल के आया। बोले हेरो हमारा साथ युद्ध करो पहले। बोले तुम कौन है? एक औरत है, विष्णु देव हमारे साथ युद्ध करके थक गया तो सो गया, तू क्या करेगा? बोले भाई देखो ना, विष्णु दया करके तुमको बांचा करके रखा है, एक सेकंड नहीं लगता है विष्णु को किसी को मारने के लिए, लेकिन तुम बड़ा उत्पात कर रहे हैं तो प्रभु का ऊपर इसलिए हम प्रकट हो गया, हमारे साथ युद्ध करो हम तुमको मार रहे। ऐसा बातचीत होते होते दोनों तो लड़ाई लग गया और वो माता जी ने असुर को मारा। जब वो मारने का समय बड़ा चित्कार किया असुर ने, तब भगवान का नीत हो गया, असुर तो मार गया। भगवान ने तो देखा, भाई असुर को कौन मार दिया? हमने इतना दिन युद्ध कर उसको मार नहीं सका। आवाज ये प्रभुजी का नींद टूट गया, आवाज असुर का आवाज मन का नींद टूट गया। तब प्रभुजी का सामने में हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया तो उसका नाम हो गया उत्पन्ना एकादशी। प्रभु जी का शरीर से खोद प्रकट हुआ तो उत्पत्ति हुआ, तो उत्पन्न हुआ। भगवान बड़ा खुश हुआ, बोले तुम हमारे पास कुछ वर मांग लो। तो एकादशी माता जी ने बोला जो देखो प्रभु जी जगतवासी एकादशी दिन में व्रत करके आपका भजन करे तो उसको जन्म मरण से उद्धार करके आपका वैकुंठ धाम प्रदान कीजिए, ये हमारा व्रत। इसलिए एकादशी व्रत करना सबके लिए कल्याण खुद है। क्या छूट जाएगा ये करने से? जन्म मरण जो हो रहा है, बोलो सबसे बड़ा कष्ट किसमें होता है? जन्म और सबसे बड़ा भय किसमें है? मृत्यु में सबसे बड़ा भय है ना। और मारना क्यों चाहता है? कोई चाहता है हम मार जाए? मारना नहीं चाहता तो, लेकिन मारना पड़ता है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिंदा है, बोलो। हमारा पिताजी का पिताजी का पिताजी तो था, वो कहाँ है? है बड़ा बड़ा वीर रावण कुंभकर्ण जरासंध क्या क्या सब आदमी था। अरे भीष्म देव का था इच्छा मृत्यु, जानता है? नहीं जानता है। विश्वदेव का पिता संतुष्ट होकर उसको आशीर्वाद दिया, तुम जब इच्छा करेगा तब मरेगा,
नहीं तो नहीं मरेगा, लेकिन फिर उसका मरना पड़ा। इच्छा करा दिया भगवान ने, इतना इतना बाण मारा ना, वो तो सो गया, तो उठ नहीं सकेगा। तो सरस्वत बोलते है इसलिए उसका भी मरना पड़ा, सबको मरना है। लेकिन ये एकादशी व्रत ठीक से पालन करे, मारना तो है लेकिन मरने का बाद और जन्म नहीं होगा। तो जन्म नहीं होने से तो मरना का बात नहीं है। जिसको जाना होता है, जिसको जाना होता है उसका मरना पड़ता है, और जिसको जाना नहीं है उसका मरण भी नहीं होगा। हम लोग को एकादशी व्रत करना चाहिए। शंकराचार्य तो क्या बोला, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी गया। जातस्य हि धव मृत्युम् मितं जर्म दवस्यति। जन्मिले मरण होता है, मरने से जन्म होता है, ये चलता रहता है। बोले इसका हास्य बांसना चाहिए। पूरा जगत फंसा हुआ है इसमें, जन्म मरण माला है, और बीच में जोड़ जाता है क्या चीज, मेरा मेरा, क्या मेरा है, मेरा लड़का है, मेरा पत्नी है, मेरा पिता है, ये सब मेरा। भाई जब मरेगा कौन रहेगा तेरा, हाँ कोई रहता है मरने के बाद? का वो कांता कस्ते पुत्र संसारोयम् अतीव विचित्र कश्यतंगा कूतो आयत तत्तं चिंतां कविदं भात भज गोविंद भज गोविंद गोविंदं भज मूलम। बोले का तब कत्ता, तुम आने का समय तो इकला आया, भागवत में है तृतीय स्कंद में, जब मातृगर्भ में रहता है तो 7 मास उम्र हो जाता है तो उसको ज्ञान आ जाता है, और पूर्व पूर्व जन्मों में क्या क्या किया और कैसा सुख कैसा दुख हुआ सब पता चल जाता है। तब वह हाथ जोड़ करके उन्हें भगवान का चरण में प्रार्थना करता है, प्रभु जी इस बार जन्म होकर आपको भजन करूंगा और संसार से उद्धार होकर आपको वैकुंठ धाम में चल जाऊंगा, आप कृपा कीजिए। लेकिन जब जन्म होता है और माया पकड़ लेता है, सब भूल जाता है, कभी किसी का साधु संग हो जाए फिर साधु का बात सुनकर के विशाल राजा तो भजन करे तो उद्धार होकर भगवान का पास जाएगा, ये तो जान ही सकता है। तो का तब कांता, एक शादी कर लिया, एक बच्चा आ गया और बच्चा का पीछे पड़ गया,
ऐसा करते करते बड़ा आनंद आ गया। एक उपाख्यान है, एक ब्रह्मचर्य आश्रम में गया और गुरुजी ने उसको बड़ा रोज गीता पढ़ना, रोज गीता पढ़ना। बोले ठीक है, ऐसा गीता एक गुरु जी दे दिया, रोज गीता पढ़ता है। गुरु जी तो आश्रम चल के भ्रमण करने कहाँ कहाँ गया, वो देखता है एक निर्जन जगह चाहिए, ज्यादा जात आदमी नहीं रहेगा और हम गीता बहुत भक्ति करके आनंद से पढ़ता। ऐसा करते करते एक जंगल में जाकर एक कुटी बना लिया और हर दिन गीता पढ़ते हैं और गीता पर बहुत जत्न करके रखता है और भीख मांगता है गांव में, जो मिलता है वही पाठ पढ़ता है, ठाकुर जी को देता है, प्रसाद पा लेता है। एक दिन देखा एक चूहा गीता का थोड़ा काट दिया। अरे हमारा गुरु जी ये गीता दिया है, गुरु जी का हाथ से मिला है, चूहा काट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, गीता नष्ट हो जाएगा, क्या करो क्या करो। तो ग्राम से एक बिल्ली का बच्चा ले आया, तो बिल्ली बच्चा रहा इनसे चूहा भाग जाएगा, तो बिल्ली बच्चा रखा, लेकिन बिल्ली क्या खाएगा तो मैं करता है। तो गांव से थोड़ा थोड़ा दूध भिक्का करके ले आता है मां के और बिल्ली को खिलाता है, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन थोड़ा ज़्यादा लगता है और हर दिन मिलता नहीं दूध। तब एक आदमी ने बोला, बाबा अब हर दिन दूध मांगता है, क्या करता है दूध पीता है? बोले नहीं नहीं हमारा एक बिल्ली है, बिल्ली को खिलाता है। बिल्ली है तो बाबा हमारा बहुत गैया है, एक गैया दे देता हूँ, हाँ तुम गाय रख देना और बिल्ली कितना दूध पिएगा देना, तुम भी पी लेना, ठाकुर जी का सेवा में लगा देना। बच्चा है तो बिल्ली ने गाया हुआ, लेकिन भिक्षा करेगा ना गीता पढ़ेगा ना गाया रखा करेगा, इसलिए गाया देखने वाला एक चाहिए। तब घूमते घूमते एक भक्तिमती श्रद्धालु एक औरत मिला है, तो बाबा ने बोला तुम हमारा गैया है, गैया देख सकता है? बोला हाँ बाबा। तो उसको ले आया, वो गैया देखते हैं और दूसरे दूसरे काम कर देता है, सफाई कर देता है, आश्रम में रहे कभी कभी रहता है, कभी कभी घर में जाता है। सब कुछ दिन जब हो गया तो गांव वाले बोला, बाबा आप एक काम कीजिए, वो जब घर में चल जाता है वो औरत आपका तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, आप कर नहीं पाता है, हम लोग देखते हैं, इसलिए आप उसको साथ शादी कर लीजिए, तब आपका सब अच्छे से चलेगा और गीता पाठ भी अच्छे से होगा, हम भी गीता वाले हम लोग को सुनता है। तब गांव वाला मिल करके उसको शादी करा दिया। जब शादी हो गया धीरे धीरे दो तीन बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा बड़ा हो गया, फिर बच्चा को शादी दे दिया, बच्चा का बच्चा अच्छा हो गया, ऐसा मान लो 20-25 आदमी हो गया सब मिल करके, और वो तो उम्र हो गया, वो बैठ के रहता है सब चाली हुआ उसका साथ खेल कूद करता है और दादू दादू करता है। गुरुजी आ गया इस टाइम, गुरुजी बोला अरे उसको तो हम गीता पढ़ने के दिन दिया था। बोला हाँ, तो ये सब इतने बच्चा का बच्चा कहाँ से आया? बोले गुरुजी ये तो आपका आशीर्वाद है। बोले अरे बेटा हम गीता पढ़ने पड़े, ये आशीर्वाद कैसे हो गया? ना गुरुजी आपका गीता का संचारी है, गीता रक्षा करने के लिए हम बिल्ली पूछा, बिल्ली का रक्षा करने के लिए हमको गाय पूछने पड़े, गाय को रक्षा करने के लिए शादी करना पड़ा, और शादी करने से तो अल बच्चा हो गया, तो हो गया गीता का संसार, हम क्या करें गुरु जी? बोलो वाह,
तो ये हमारा ये जगत ऐसा है, गीता का संसार हो जाता है। लेकिन गीता में लिखा है त्याग शांति निरंतरम, त्याग में शांति है, संसार में शांति नहीं है। शांति पाना तो त्याग करना, तो एकादशी करना कुछ कुछ त्याग करना पड़ता है। चाय पीना एकादशी दिन में मना है, जो लोग हर दिन चाय पीता है ना, दिन में चार पांच बार एकादशी करो तो एक दिन तो चाय मुक्ति हो गई। तो इसलिए एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोलिया परम आदर। एकादशी तिथि को क्या कहा गया? भक्ति का जननी। कैसा बोलता है? जगत जननी, जो जगत प्रसन्न करने वाला उसको क्या कहा जाता है? जगत जननी। तो जो भोग उपसव करने वाली है उसका क्या कहा जाएगा? भक्ति जन। तो एकादशी क्या है? भक्ति जन। इसलिए एकादशी हम लोग ठीक से पालन करें तो हमारा हृदय में भक्ति का आविर्भाव हो जाए। बोले भक्ति का प्रयोजन क्यों है, उसमें क्या फायदा उठेगा हमारा? बोलते हैं भक्ति रे वैनन नायती, भक्ति रे वैनन दर्शती, भक्ति वास पुरुष भक्ति रे वही भूयसी, भक्ति रे वैनन नायती। तो ध्रुव ने तपस्या कर रहा है मधुबन में, और मंत्र क्या है? ओम नमो भागवते वासुदेवाय। तो है भक्ति, ये जब साउंड कर रहा है ओम नमो भागवते वासुदेवाय, खाना पीना सब छोड़ दिया और मंत्र जब में मन लगा दिया तो भक्ति उसका हृदय में आविर्भाव हो गया। और भक्ति आकर्षती, किसका आकर्षण कर रहा है? वैकुंठनाथ नारायण को। नारायण को खींच रहा है भक्ति देवी, आ जा भक्त का पास, खींच खींच करके वैकुंठ धाम। कितना दूर है? प्लेन नहीं जा सकता है। और ध्रुव महाराज मथुरा का मधुवन में तपस्या कर रहे हैं, तो नारायण को लेकर आ गया ध्रुव का पास। भक्ति रे वैना नायती, लेकर आती न होती, मतलब क्या है? लेकर इसको हराते। भक्ति रे वैनम दर्शती, जिसका भक्ति है तो भगवान का दर्शन करे तो उसको आनंद मिलेगा। जिसका भक्ति नहीं है, भगवान आ जाए उसका सामने में, दर्शन करने से आनंद नहीं होगा। दुर्योधन का नाम सुना? सुना है? दुर्योधन का तो कभी कभी कृष्ण का दर्शन मिल जाए, बोलो उसका आनंद होता कि नहीं होता? आनंद नहीं होता, परंतु गोसा हो जाता दू होता। बोले ये जितना नष्ट का घड़ा है, ये पांडव को रखा कर। तो इसलिए जब कंस का रंगमंच में भगवान कृष्ण पहुंचाया तो जिसका जैसा भाव है वो भगवान का वैसा ही दर्शन किया। जो मल्ल जोड़ता है
ऐसा ऐसा करते रहते हैं, बड़ा वीर है, बड़ा शक्तिशाली है, हमारा शरीर लोहा से भी कठिन ऐसा ही करता है। लेकिन जब कृष्ण को देखा लोग सच्चा बाप के पास, हाँ इसका शरीर तो बड़ा कठिन है, उसका साथ लड़ाई करके था हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो मान लो क्या देखता है, वज्र वज्र का अभी शक्ति है कठिन कृष्ण का से, और वहां जो माता का उम्र है जो औरत लोग रहती है वो लोग देखते ही तो बच्चा है, कोमल से कोमल इसका शरीर है, बड़ा प्यारी बच्चा है, आ जाए तो हमारा गोद में हमारा कितना आनंद आ जाएगा जीवन भर में। तो एक ने देखा बच्चा से भी कठिन है, एक ने देखता है कोमल से भी कोमल, जिसका हृदय में भक्ति है वो देखते सही है। और पांच देख रहा है ये तो साक्षात काल है, जून से भी जून का जून है ये तो आज मार डालेगा। लेकिन युवती लोग क्या देखते हैं, बोले भाई ये तो काम से भी सुंदर है, काम देख तो इसका पास कुछ नहीं है, मदन महान, मदन काम का नाम है, और कामदेव का जो मोहन कर सकता है उसका नाम है मदन महान। तो जिसके हृदय में भक्ति है वो गोविंद को मदन मोहन देखते हैं, जिसका भक्ति नहीं है वो जोन देखते हैं। और जो बड़ा बड़ा राजा वहां हाजिर हुआ वो लोग देखता है ये तो एकमात्र विश्व का राजा होने का योग्य है, यही है विशेषता। और जादव लोग देखता है भाई आ गया हमारा तारण वाला, ये हम लोग का तारण करेगा, कंस का हाथ से बचाएगा। और ब्रज गोपी और नंद महाराज देखता है ये तो मेरा बच्चा है, बच्चा लाला है, खेलकूद करने वाला है। तो बोलते हैं जादृश भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसका जैसा भावना है उसका दर्शन ऐसा ही होता है, सिद्धि भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए भक्ति में क्या होता है, भगवान जो परतत्व है जो आनंदमय है ऐसा ज्ञान हो जाता है, उसका दर्शन मिल जाता है। इसलिए भक्ति रेवैनं नयति, भक्ति रेवैनं दर्शति, भक्तिर वशा पुरुषा, भगवान किसका वश है, जिसका भक्ति है उसका वश हो जाएगा, और जिसका भक्ति नहीं है उसका तो बात सुनता है। तो भगवान जब युधिष्ठिर महाराज राज चक्रवर्ती राजा हो गया, कुरु पांडव का युद्ध समाप्त हो गया, हस्तनामे भगवान विराज कर रहा है पांडव के साथ, लेकिन भगवान को द्वारका जाने का तो इच्छा है, और दिन ठीक करता है काल सुबह उठ करके द्वारका चला, लेकिन कभी कुंती देवी हाथ जोड़ के बोलता है कहाँ जाएगा, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या तमेव,
तमेव सर्वा मम देव देवा, मेरा सर्वस्व है। आप कहाँ जाएगा? यहाँ ही रहो, जाना नहीं होगा। क्या करेगा कृष्ण? फिर रह जाता, फिर दो तीन दिन में वापस जाने का उद्योग करता है तो अर्जुन आ जाता है। ऐसा कभी दो पोदी कभी कोई ऐसा करते करते जा नहीं सकता है, बहुत दिन रहेगा। तो भक्त का भक्ति में भगवान बस। कलिकाल में एक भक्त था, उनका नाम है बिल्ल मंगल ठाकुर, है तो कली जी, लेकिन उसका भक्ति से भगवान बस हो गया। उसका हाथ पकड़ करके रोड में लेकर चल रहा है वृंदावन। तो एक बार हाथ छोड़ देता है कभी कभी, तब बिल्ल मंगल ठाकुर बोलता है, गुरु जी अब हाथ छोड़ दिया क्यों? बोला अब बुढ़िया बुरा है, बुढ़ापा हो गया, हम तो बच्चा है, जल्दी जल्दी चल नहीं सकता है, तो हम कितना टाइम तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखे, और जब असुविधा होगा फिर पकड़ लूंगा, चिंता नहीं। अच्छा अच्छा, हस्त छोड़ के आप भक्त है, हस्त मुक्त प्रजातु बला कृष्ण की मात होता, हृदय यदि निर्जाशीष पौरा सो बनाऊंगा। तुम हस्त छोड़ के भक्त है, ये क्या तुम्हारा विगत है? तुम हमारा हृदय से निकल जाओगे तब देखेगा ताबत है। तब भगवान के आकर हाथ पकड़ दिया, बोले हम तुम्हारा हृदय से नहीं निकल सकते। तो जो भक्ति में पक्का हो गया, भगवान उसका कंट्रोल में आ जाता है, अपना इच्छा तो चल नहीं सकता भगवान। इसलिए भक्त वश भगवान, केवल भक्ति वश चैतन्य गोसाई, चैतन्य महाप्रभु भक्ति का बस। कृष्ण भगवान भक्ति का बस। तो एक भक्त था ऐसा एकादशी करता, हम लोग तो एकादशी करते हैं एकादशी का पहले दिन सोचता है काल एकादशी है, सुबह सुबह क्या खाऊंगा, आदमी तो कुछ बनाएगा। कैसे एकादशी भक्त है, खाने का चिंता है, लेकिन अम्बरीश महाराज दशमी दिन में रात में नहीं खाता और एकादशी दिन में तो कुछ नहीं लेता है, पानी भी नहीं लेता है, द्वादशी दिन में पारण करता है, इतना नहीं थोड़ा सा, और दोपहर में थोड़ा प्रसाद रहता है, रात में नहीं लाता है। तो तीन रात उपवास होने से उल्टा एकादशी होता है। तो ऐसा करते हैं, एक बार ऐसे एकादशी किया और सुबह सुबह एक बड़ा तेजस्वी ऋषि आ गया, क्या नाम है? दूरभाषा महाराज, जिसका नाम से सब भय भीत हो जाए, बड़ा सांप देने वाला है। आ गया तो आकार जब आया तो राजा ने बड़ा प्यार से सेवा पूजा किया और बोला द्वादशी दिन में आप ऐसा ब्राह्मण आ गया, मेरा जीवन तो धन्य हो गया, तो आप थोड़ा यहाँ पारण कीजिए, सेवा लीजिए। थोड़ा नहा धो करके और मंत्र जाप करके आ जाता। ओ बेचारी जाकर मंत्र जाप करने लगा, नहा धोकर जमुना किनारे बैठ के, इधर पारण का टाइम पार हो जाने वाला है, नियम है एकादशी का जो पारण का टाइम रहता है उसको अंदर पारण करना चाहिए, नहीं एकादशी का फल मिलेगा।
तो यहाँ बहुत ब्राह्मण पंडित था, वो लोग को पूछा राजा ने, अरे एकादशी का टाइम पार हो जा रहा है, पारण का टाइम क्या करो, तो ऋषि तो नहीं आ रहा है। वो लोग बोला अब तो नींद जला करता है, एक बूंद पानी पी लो, उसमें पारण हो जाए और एक बूंद पानी का खाना कोई नहीं, ऋषि आने से उसका खिलाना पिलाना उसका बात देगा। बोला ठीक है, एक बूंद पानी अच्छा जीवा में जब दिया ना, होम्योपैथी दवाई करना पी। वो ऋषि और तेजस्वी था, वो ध्यान में सब जान सकता है, वो तो ध्यान करते करते जान लिया, अरे बेटा ब्राह्मण सेवा करेगा, हमारा सेवा के लिए निमंत्रण किया, खा भी लिया, जाता हूँ दिखाता हूँ, वाह उषा करके आ गया। रामबरीश तुमने हमारा यहाँ और प्रसाद पाने के लिए निमंत्रण किया? बोला हाँ। तो पानी क्यों पिया? बोला हमारा वो व्रत रखने के लिए एक बूंद पानी। बोले एक बूंद पानी पानी तो पिया क्यों? इसका फल उनका पाना ही पड़ेगा। तुम सोचता है बड़ा वैष्णव हो गया, तुम बड़ा भक्त हो गया, तुम्हारा अंदर में अभिमान है, इसको आज हम ठीक करते हैं। बोल करके ऐसा एक चोटा छीन करके मिट्टी में गिरा दिया और साथ साथ जोटा से ये कितना सृष्टि हुआ, अग्नि माय इसका शरीर श्याम और वो हाथ जोड़ लिया, मैं क्या करूं? बोले ये जो अभिमानी है, मैं बड़ा भक्त है, मैं बड़ा वैष्णव है, ऋषि का सम्मान नहीं करता है, इसको भस्म कर दो। पहले से क्या हुआ था, भगवान वहां सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। क्यों? ना ये तो सारा दिन पूजा पाठ लेकर रहता है, राज्य को रक्षा करेगा, दूसरे राजा आकर दखल कर लेगा तो सीमाना, तो इसलिए सुदर्शन चक्र को वहां भेज दिया। सुदर्शन चक्र को दिन में थोड़ा राउंड लेता है, कोई पूछता है कि नहीं दूसरे राजा का सही, और ये सब देश जान जाता है सुदर्शन चक्र का डर से कोई राजा अम्बरीश का सीमा में नहीं आता, और सुदर्शन चक्र के लिए एक रूम बना दिया था मंदिर छोटा से, उसका राय ने कमा कि वो वहाँ ही रहता और तीन एक बार चक्कर देकर फिर आ जाता। तो उसका भगवान दायित्व दिया, दे दिया राजा का राजस्व रक्षा करना, राजा का भी रक्षा करना। जब सुदर्शन देखा कितना रहा है राजा को मारने के लिए, अच्छा वो तो मंदिर से निकाला है और अपना तेज प्रकाश किया और सुदर्शन का तेज से कितना भस्म, और सोचा अच्छा ये ब्राह्मण ने ऋषि ने कितना सृष्टि किया, ठीक है ये ऋषि तो मारने वाला नहीं है लेकिन इसको पीछे पड़ो पीछे पड़ेगा, और सुदर्शन का इतना तेज है दुर्वासा सज्ज नहीं कर सकता, वो भागने लगा जहां भागता है सुदर्शन चक्र उसके पीछे पीछे जाता है और गर्म कर देता है। भागते भागते शिव जी के पास गया, पहले प्रभु जी रक्षा कीजिए, शिव जी बोला क्या हुआ, ना सुदर्शन चक्र हमारा पीछे पड़ा। अरे सुदर्शन चक्र क्यों? बोला हाँ ऐसा ऐसा कितना सृष्टि किया था अम्बरीश ऋषि के मानने के लिए। अरे क्यों? वो तो वैष्णव है, उसका पीछे क्यों पड़ा, तुम यहाँ से भागो नहीं सुदर्शन चक्र हमारा पीछे भी पड़ जाएगा, यहाँ मत रहो भागो। तो वहां से भाग गया, ब्रह्मा जी का पास गया, ब्रह्मा ने बोला क्या बात है, बड़े सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया। बोले तुम एक काम करो, काम भी कुछ नहीं कर सकेगा, तो जिसका सुदर्शन है उसका पास जाओ। चल गया,
प्रभु जी रक्षा कीजिए। प्रभु जी बोला क्या हुआ? प्रभु जी तो सब जानने वाला है और सब देखने वाला है, गीता में है सर्वत पानीपादं तं सर्वत ओक्षि शिरोमुखं, हर जगह में हमारा आग रहता है, हम सब देखने वाला है। तो दुर्वासा क्या किया? भगवान सब को देखा। भगवान बोला क्या बात है बताओ ना, रक्षा कीजिए सुदर्शन से। बोले नहीं होगा। बोले क्यों? अहं भक्त पराधीनं जशतंत इव द्विज साधुलिंगश्चरित भक्त को भक्त वत्सल। बोला देखो अहं भक्त पराधीनं, हम भक्त का अधीन है, भक्त हमारा अधीन नहीं है, हम भक्त अहम भक्त पराधीन, हमारा स्वतंत्र सराट पुरुष हमारा नाम तो है, लेकिन माँ जशोदा तो हमारा बंधन किया था, तुम तो जानता है, तब हम क्या किया? कुछ नहीं कर सकते। हाँ कभी थापड़ मार देता तो हम क्या करेगा, रोते रह जाता है, कुछ करने वाला नहीं। भक्तिर्वास पुरुष हम भक्त में वास हो जाता है, भक्त तो हमारा काट का लकड़ी का पुतली का में भी जैसा नाचाता है वैसे हम नाचता है। तो अम्बरीश हमारा भक्त है, इसको विरुद्ध हम क्या करेगा? हम सुदर्शन चक्र पहले से उसको रक्षा करने के लिए दे कर रखा, तुम तो जानता है, फिर वहां क्यों गया? इसलिए हम कुछ नहीं कर सकेगा। तो बोले तब क्या होगा प्रभु जी? अरे कुछ नहीं होगा, हमारा भक्त बड़ा दयालु। और एक बात मानो, जिसका पेड़ में कांटे घुस गया, शीर में ऑपरेशन करने से कांटे निकालेगा? पेड़ में घुसा है, पेड़ में ऑपरेशन करना है, वहां से कांटे निकालेगा? तुम मतलब में अपहरण किया हमारे भक्त का, पास आया वैकुंठ, यहां कुछ नहीं हो सकता है, तो जहां अपराध है वहां जा। ओ अम्बरीश महाराज जी के पास पहुंचाओ, वो तुम्हारा आदर जत्न करके खिलाएगा पिलाएगा, वो अभी तक खाया नहीं, कुछ खाया नहीं, जाओ उसका भी कष्ट हो रहा है, तुम भी कष्ट हो रहा है, उसका पास जाओ, वो सुदर्शन चक्र को बोलेगा तो सुदर्शन चक्र तुमको छोड़ दे, हमारा बात सुदर्शन सुनेगा। ये बात सुन करके अम्बरीश महाराज दुर्वासा का आ गया, जब आया दुर्वासा पूरा लंबा होकर साष्टांग प्रणाम किया, ऋषि को बैठाया और हाथ जोड़ लिया और सुदर्शन को बोला तुम्हारा लिए तो हम मंदिर बना दिया, तुम अपना मंदिर में जाकर विश्राम करो, बहुत जगह घुमा है, बहुत परिश्रम हो गया, तुम्हारा मंदिर में जाकर विश्राम करो और ऋषि का काम मत करो। बोलने का साथ साथ सुदर्शन चल गया और ऋषि को मन में खुश आ गया, बड़ा हासी आ गया, बोला हाँ वैष्णव कितना सहिष्णु होता है, टैक्स अपना मान नहीं चलता है, ये वैष्णव बड़ा प्यार से दुर्वासा को खिलाया लाया और उसका बाद वो प्रसाद पाया। इसमें एक साल लाग गया तो भक्त का वास भगवान है ये बोलने के लिए ये उपक्रम है, जो भक्ति करेगा भगवान उसका वास हो जाता है, अपना चक्र भी उसको लिए छोड़ देता है। तो भक्ति रेवाय नाम नायति, भक्ति रेवाय नाम दर्शति। तो जब
ध्रुव महाराज भगवान को देखा, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, क्या बोलो क्या न बोलो कुछ नहीं बोल पाया, बच्चा है ना। तो उसको अगर उस ऐसे चल रहा है, कुछ बोलने का इच्छा है बोल नहीं पाता है, इतना लिखना पढ़ना सीखा भी नहीं, क्या बोले। तब भगवान ने क्या किया, भगवान का हाथ में एक शंख रहता है, शंख का मतलब ज्ञान, भगवान ने उसको सिर पर लगा दिया और लगाने का साथ साथ पूरा ज्ञान उसका हृदय में प्रकट हो गया और धराधर स्थापित करने लग गया। तो भगवान ने बोला, ध्रुव हमारा दर्शन होने से सर्वसिद्ध हो जाता है, बोलो क्या क्या चाहिए तुम्हारा, जो इच्छा मांग लो हम दे सकते हैं, सब हम समर्थ है, क्या चाहिए बताओ। लेकिन भगवान का दर्शन के इतना इतना आनंद है, भगवान का चरण के इतना सुंदर जो महात्मा है, ध्रुव देखकर तो भूल गया, ध्रुव देखकर ये जो चीज तो अनित है, वो राज्य लेकर हम क्या करें, मरने से तो राज्य यहाँ रह जाए, लेकिन भगवान का चरण मिल जाए, हर समय चरण सेवा मिल जाए, चरण दर्शन मिल जाए, इससे बड़ा क्या है। भगवान भी बड़ा रहे, कुछ तो मांगो। अब ध्रुव ने बोला, स्थान विलासम तपसी स्थित हम तम देव काच विचिन्नम अपि दिव्यराजनम स्वामी पिता अस्मि वरम न जाचि। क्या बोला ध्रुव, स्थानाभिलाषम, स्थानाभिलाष माने पिताजी का जो सिंहासन हमारा हो जाए, ये है स्थान। ये जगत में जितना लड़का लड़की है ना, पिताजी का क्या क्या चीज है वो सब ध्यान से अपना मन में ले लेता है, और वो दफन करने के लिए दो तीन चार भाई बहन होगा तो उसमें हर का मन में आ जाता है, पिताजी का तो तीन जगह में घर है। लेकिन जो गांव वाला घर है उससे इतना फायदा नहीं, शहर वाला घर हमारा मुझे, और तीन भाई का हम लोग एक घर का हमारा मुझेगा तो हमारा शहर वाला होगा, तो सब भाई ऐसा ही चलता है, पिताजी का संपत्ति लेने के लिए, ध्रुव का भी ऐसा ही होगा। लेकिन परम पिता भगवान का जब दर्शन मिल गया तब सोचा ये तो नशार है, ये कांच का बजा है, एक ठोकर भी टूट जाएगा, ये लेकर क्या करेगा, भगवान का चरण मिल जाए, वैकुंठ धाम मिल जाए तो वही तो कभी टूटेगा नहीं। स्थाना विलास तपसी स्थित अहम तां प्राप्तवान देव मुनिंद गुच्छम। स्थान के लिए हम आया था, लेकिन हमारा जो चीज मिल गया, बड़ा बड़ा देवता लोग को दर्शन नहीं मिलता है, करोड़ों साल तपस्या करके मुनि ऋषि को नहीं मिलता है, वो अमूल्य रत्न जो आपका चरण दर्शन हमारा हो गया। कांच विचिंता और भी दिव्य रत्न, तो कांच खुशते खुशते दिव्य रत्न हमारा मिल गया, हम तो कृतार्थ हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया, हम और कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी।
उसका जन्म सफल हो जाए जिसको भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए भक्ति का प्रयोजन। भक्ति रेवैनं दर्शति च द्रव का भक्ति से वश होकर भगवान दर्शन दिया, और भक्ति का इतना ताकत है स्वयं भगवान गोलकपति द्वारकापति वैकुंठपति कृष्ण क्या किया था अर्जुन को रथ में सारथी हुआ, अर्जुन का रथ में घोड़ा का हेड हेड करके चलाता है, घोड़े चलाने वाला भक्ति का वर्ष। एक दिन जिस दिन जयद्रथवाद का बात था तो घोड़े चलते चलते थक गया, तो भगवान क्या किया रथ से उतार करके घोड़े का पेट दबाया, महाभारत में है। अरे भक्त का चरण दबाना तो बड़ा भक्त का बात है, भक्त का जो घोड़े है उसका भी पेट दबाता है भगवान होता है। भक्त का भक्ति में विवश होकर भक्त का घोड़े का पेट दबाने वाला कौन है, वही नंदोला। तो इसलिए हम लोग का प्रयोजन क्या है, भक्ति, और भक्ति देने वाली है एकादशी तिथि। इसलिए एकादशी तिथि का दिन में निष्ठा पूर्वक हरिनाम करना, भजन करना भगवान। एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करे जतन महाप्रभु नवद्वीप में क्या करते थे एकादशी दिन में, उषा काल होइते नित्य करे विश्वम्भर जुत जुत होइल यत गायन सुंदर। सुबह से आरंभ कर देता है कीर्तन और नाचना, सारा दिन चलता है सारा रात चलता है, उद्दंड नाचे प्रभु विश्वम्भर पृथ्वी कंपित है सबे पाए डर। कवि प्रेम में मत होकर ऐसा नृत्य करते तो पृथ्वी चलमल कर सबको भय लग जाता है। और कभी कभी क्या है, कखन वा मधुर नाचे विश्वम्भर ज्ञान देखी श्री नंद नंदन नटवर। और कभी कभी इतना सुंदर देश में और नृत्य का ढंग तो नंद नंदन जैसा नृत्य करता है वैसा ही सुंदर नृत्य करना चाहिए। तो एकादशी दिन में नाचना और गाना, हरिनाम करना, खाना पीना, सुना मना, नाचना गाना हरिनाम कर, ये तीन है। और माना तीन है क्या क्या, खाना पीना और सुना, तीन माना तीन करना बस। करे तो भक्ति बढ़े, ना करे तो नहीं बढ़े। इसलिए एकादशी बोले जार नाम गाई शिव नारद बेड़ाय सहस्र वदन प्रभु जार गुण गाए। जार नामे वाल्मीकि होइल तप दान हैन प्रभु ना
सके या तो भक्तगण, जिसको नाम शिव रत्नाकर दस्यु वाल्मीकि तप ऋषि हो गया, वही प्रभु साहेब नृत्य कर रहा है। अब जो लोग देखते हैं वो तो बड़ा भाग्यवान है। तो इसलिए आज एकादशी दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में या गुरु वैष्णव राधा विनोद बिहार के चरण में ये हम लोग का निवेदन है। हम लोग का पति शुभ दृष्टि करे और हृदय में हमारा जो अज्ञान दूर हो जाए और प्रेम भक्ति का प्रवेश हो जाए, ये कृपा प्रार्थना है। बोलो श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री नवद्वीप धाम की एकादशी तिथि वाला की एकादशी तिथि पालन करी भक्त वृंद की बोल गिरिराज धारण की जय। जय श्री राधे श्यामताई गौर कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय भक्तवत्सल जनार्दन गुरु महाराज की, भक्तजन महाराज की।